नमस्ते भारत, आप सभी लोगों को मुकेश अंबानी के घर के नीचे जो अबेंडेंट स्कॉर्पियो मिली थी और जिसमें 20 से 25 जिलेटिन स्टिक्स यानी बॉम्ब पाए गए थे, वो पूरी किस्सा कहानी याद होगी। मैंने अपने चैनल पर प्रीवियस वीडियोस जो बना करके डाले हैं उसमें मैंने बहुत सारी चीजें उसमें बताई थी आप लोगों को। और उस केस के अंदर यानी कि ये जो पूरा आतंकी हमला करवाने की साजिश रची गई थी एंटीलिया यानी कि मुकेश अंबानी के घर के नीचे मुंबई के अंदर, उस केस के अंदर एक पुलिस ऑफिसर का बहुत ही संदिग्ध रोल पाया जा रहा है और वो है मिस्टर सचिन वाजे, सो कॉल्ड मुंबई के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उनके फेवरेट, सीपी के फेवरेट, जिनको बाय द वे 2004 में मुंबई की पुलिस से सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि उनके ऊपर एक फेक एनकाउंटर कराने का आरोप था जो सिद्ध उन पर हुआ था। 2004 में उनको वहां से हटाया गया, फिर उन्होंने बीच में रिजाइन किया और 2008 में जाकर के शिवसेना ज्वाइन कर ली, शिवसेना के बड़े नेता बन गए। और बड़े ही सरप्राइजिंगली जून 2020 में सचिन वाजे की दोबारा से मुंबई पुलिस के अंदर बहाली करवा दी गई उद्धव ठाकरे की सरकार के द्वारा और वहां के सीपी के द्वारा। सचिन वाजे, मैं आपको एक बार और याद दिला देती हूं, वही एनकाउंटर कॉप हैं जिन्होंने बड़े ही निरंकुश तरीके से, बड़े ही गलत तरीके से मिस्टर अर्णब गोस्वामी के घर के अंदर घुस के AK-47 की स्पेशल ब्रिगेड को लेकर के जाकर के उनको अरेस्ट किया था। उनकी पत्नी के साथ भी बदतमीजी की गई थी, उनको ड्रैग किया गया था बाल खींच करके, उनकी वाइफ पर चार चार केस हैं, बेटे पर नॉन अवेलेबल केसेस हैं 4 से 5 और बड़े ही बुरा अभद्र व्यवहार अर्णब गोस्वामी जी के साथ किया गया था। पूरी ब्रिगेड आपने देखा था किस प्रकार से AK-47 लेकर के सचिन वाजे एनकाउंटर कॉप एक पत्रकार को गिरफ्तार करने गए थे और ये वो व्यक्ति हैं, ये इनकी बेसिकली हिस्ट्री है मिस्टर सचिन वाजे की। अब इस केस के अंदर जो इनकी पूरी संदिग्ध कहानी निकल करके आ रही थी उस बारे में फ्लोर ऑफ द हाउस में देवेंद्र फडणवीस जी, जो वहां के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है इस वक्त महाराष्ट्र के अंदर, उन्होंने पहले भी बड़ी सारी चीजें निकाल करके बताई थी और इसके बाद आज भी जिस प्रकार के खुलासे उन्होंने किए हैं सदन में वो सुन करके आपकी आंखें भी फटी की फटी रह जाएंगी, चकाचौंध आप हो जाएंगे कि आफ्टर ऑल सचिन वाजे इतनी सारी चीजें इल्लीगल जो होती हैं वो कैसे कर सकता है। मनसुख हिरेन जिसकी मौत हो गई है, जिनकी वो स्कॉर्पियो थी, उनकी पत्नी का सीधा सीधा दावा है कि उनके पति की यानी कि मनसुख हिरेन की जिनकी लाश मिली थी उनकी हत्या हुई है और हत्या के पीछे सचिन वाजे यानी कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट मुंबई के, उनका हाथ है। और यही बात आज देवेंद्र फडणवीस ने फ्लोर ऑफ द हाउस में उठाई है। उन्होंने क्या बोला है, फडणवीस सेड हिरेन्स वाइफ हैज क्लेम्ड इन हर स्टेटमेंट टू पुलिस दैट हर हस्बैंड न्यू वाजे एंड द स्कॉर्पियो वॉज विद द पुलिस ऑफिशियल फ्रॉम नवंबर 2020 टू फेब्रुवरी 5th 2021। यानी कि जिस स्कॉर्पियो में वो तमाम 20 से 25 जिलेटिन स्टिक्स मिली हैं वो सचिन वाजे के पास थी पिछले 4-5 महीनों से और वही इस्तेमाल कर रहे थे। उनकी पत्नी ने ये भी बोला कि उसके क्लच में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए वो ठीक होने के लिए वापस आई है, ठीक है ना। द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर फर्दर क्लेम्ड दैट द हिरेन्स लास्ट लोकेशन वॉज फाउंड विद धनंजय विठल गावड़े अगेंस्ट हुम एन FIR वॉज लॉस्ड for seeking a ransom of 40 lakh in 2017 and ye suniye, the other person who was mentioned in the FIR is Sachin Waze. Fadnavis said all this today on the floor of the house. अब आप ये पूरी कहानी समझने की कोशिश कीजिए। पहली बात, मनसुख हिरेन जो स्कॉर्पियो के मालिक थे, जो बहुत ही अच्छे फाइनेंशियली भी स्ट्रांग थे, परिवार से भी स्ट्रांग थे, उनकी लाश अचानक से मिल जाती है और उनके एक मिस्टीरियस सरकमस्टांसेस में डेथ हो जाती है और उसके बाद आत्महत्या की बात की जाती है, लेकिन उनकी पत्नी और भाई बार बार आकर के ये कह रहे हैं कि उनकी हत्या की गई है और अब पत्नी ने ये भी बोल दिया है कि सचिन वाजे का उस हत्या में हाथ है। जिस स्कॉर्पियो में सारी तमाम वो जिलेटिन स्टिक्स मिली वो सचिन वाजे के पास पिछले 4 महीने से थी। और एक और बात उन्होंने बोली कि जिस व्यक्ति के साथ लास्ट लोकेशन मनसुख हिरेन की पाई गई है
यानी कि मनसुख हिरेन मरने से पहले जिस व्यक्ति के साथ लास्ट थे अपनी लोकेशन के हिसाब से, उसका नाम है धनंजय विठल गावड़े। और गावड़े कौन है? जिस पर एक्सटॉर्शन का यानी कि रैंसम मांगने का, और वो भी 40 लाख रुपए रैंसम मांगने का केस है 2017 से। और उसके साथ उसके को अक्यूज्ड हैं उस एफआईआर के अंदर कौन? सो कॉल्ड एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जिनको रीइंस्टेट कराया गया उद्धव ठाकरे की सरकार के द्वारा, मिस्टर सचिन वाजे। अब आप सोचिए कि ये कितना बड़ा झोल झपाटा है। और अब आप सोचिए कि ऐसा कमाल की बात है, एक पुलिस ऑफिसर खाकी वर्दी पहनने वाला रैंसम के केस में, आत्महत्याओं के केस में इन्वॉल्व है। एक व्यक्ति जो मर गया जिसके जिसकी कार वो इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे वो लगातार बात कर रहे थे, उनकी पत्नी ने खुद आकर के बोला है कि वाजे पर हमें, वाजे की वजह से मेरे पति की मृत्यु हुई है। अच्छा, पत्नी इसको हत्या करार दे रही है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। उन्होंने ये भी बोला है, उनकी पत्नी ने, कि सचिन वाजे मनसुख हिरेन पर लगातार दबाव पर दबाव बना रहे थे कि तुम खुद को अरेस्ट करवा लो। समझ रहे हैं आप, सचिन वाजे बहुत प्रेशर डाल रहे थे मनसुख हिरेन पर कि तुम खुद को अरेस्ट करवा लो और उसके बाद हम तुमको जमानत दिलवा देंगे। मनसुख हिरेन ऑब्वियसली इस बात से बहुत परेशान थे। और जब उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया तो उनको पता चला कि उनके ऊपर तो ये केस बनता ही नहीं है, वो तो इस केस में कहीं पर अक्यूज्ड ही नहीं है। और अगर आप किसी केस के अंदर अक्यूज्ड नहीं है तो फिर किस बात की बेल, किस बात की एंटीसिपेटरी बेल, किस बात की जेल। ये तमाम सारी की सारी कहानियां निकल करके आई हैं जो आज देवेंद्र फडणवीस ने फ्लोर ऑफ द हाउस में क्लियरली बोला है, और बोला है कि सचिन वाजे को अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है, सचिन वाजे की गिरफ्तारी क्यों नहीं इस केस में हो रही है। उन्होंने एविडेंसेस साफ किए हैं इस केसेस में, एविडेंसेस ध्वस्त किए हैं इस केस में, मनसुख हिरेन वाले केस में, मुकेश अंबानी जी के घर के नीचे जो पूरा प्रपंच रचा गया था एक आतंकी हमले का, उस केस में। और ये एक क्राइम है और इस क्राइम के तहत सचिन वाजे को गिरफ्तार होना चाहिए। आफ्टर ऑल सरकार सचिन वाजे को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है, ये सोचने की बात है। और दुख की बात यह है कि मुंबई शहर हादसों का शहर है, यहां तो हर रोज हर मोड़ पर बस हादसे ही हो रहे हैं जब से ये सरकार वहां पर है। और उसके बाद हर चीज को आत्महत्या का जामा पहनाया जाता है। और अब सोचने वाली ये बात है कि क्यों एक व्यक्ति जिसके ऊपर एक्सटॉर्शन का भी केस चल रहा है, जिसके ऊपर अब एक हत्या का आरोप सीधे सीधे उस व्यक्ति की पत्नी लगा रही है जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसको आपने पुलिस के अंदर बहाली करवा दी और उसके बाद ऐसे ऐसे केसेस उसके हाथ में दे दिए जिन केसेस को देना बनता भी नहीं है। और अब एनआईए इस केस में आ चुकी है, जिस बात से मुख्यमंत्री साहब खासा नाराज हैं। अरे, आतंकी हमले की बात हो रही है और अगर सेंट्रल एजेंसी आ रही है तो आपको क्या तकलीफ हो रही है, क्यों तकलीफ होनी चाहिए? और क्यों सचिन वाजे को इस केस का आईओ बनाया गया? उनकी जब पूरी इतनी संदिग्ध कहानी है तो देवेंद्र फडणवीस जी ने सही बोला कि उनको आईओ इस केस का कैसे बना दिया गया। और मैंने जैसा प्रीवियस अपने वीडियो में बोला था कि घटना स्थल पर, मौकाए वारदात पर, वहां की जो पुलिस है, लोकल पुलिस, जिस थाने के तहत एंटीलिया आता है, मुकेश अंबानी का घर आता है, वो पुलिस नहीं पहुंचती, वहां का एसएचओ नहीं पहुंचता, कोई नहीं पहुंचता, सचिन वाजे कूद करके पहुंच जाते। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में पुलिस जो है दूसरी जगह की पुलिस आती नहीं है, बोलती हमारा लेना देना नहीं है इस केस से, आप उसके पास जाइए जिस थाने के तहत और जिस पुलिस स्टेशन के तहत ये पूरा क्राइम हुआ है। इस केस में तो भाई तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, और उसके बाद भी सचिन वाजे पहुंच गए, तो संदिग्ध किस्सा है, बहुत बड़ी कहानी है ये। और मैं भी ये मानती हूं कि सचिन वाजे को इस केस में बिल्कुल देवेंद्र फडणवीस जी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, गिरफ्तार होना चाहिए, उन पर केस बनता है, क्योंकि इस तरीके से अंधेर नगरी चौपट राजा खाकी वर्दी पहन करके नहीं होता है। हिरेन मनसुख हिरेन जिनकी इस तरीके से संदिग्ध मौत हुई है, जो परिवार कह रहा है कि उनकी हत्या हुई और वाजे का उसमें हाथ है, तो फिर एनआईए को पूरी जांच करनी चाहिए और फडणवीस जी की बात भी सुनी जानी चाहिए और वाजे को गिरफ्तार होना चाहिए। इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।